अज पंजाब दा बड़ा एक चिंता दा विशा बनिया पिया लॉ एंड ऑर्डर। बड़े लंबे चौड़े वादे करके चाहे ए सरकार बनी सी, पर वो वादे सारे पिछों सब तो वड्डी गल ते सब तो पहली ए हुंदी है कि स्टेट दे विच अमन कानून जिहड़ा वो बहाल रखना जरूरी हुंदा। अज रोज ही किते ना किते कोई ना कोई गोलियां चलदियां, किते वड्डियां वारदातां हो रहियां। और एक बड़ी पुरानी कहावत सी कि रोम जल रहा सी ते नीरू बांसरी बजा रहा सी। अज हालात यही है कि पंजाब दे विच रोज वारदातां ते रोज लॉ एंड ऑर्डर दा जनाजा निकल रहा, और साडे मुख्यमंत्री साहब उत्थे गुजरात दे विच गरबे कर रहे। सो मैं चाहना कि अज जिहड़ी इन्हां ने लोकां दी असल मुद्दे जिहड़े इन्हां ने वादे कीते सी उन्हां दे ध्यान भटकाउण वास्ते रोज कदे किसे दे उत्ते विजिलेंस, कदे किसे साबका विधायक साबका मंत्री, कदे किसे पटवारी ते, कदे किसे ते किसे थानेदार ते। नो डाउट भ्रिष्टाचार नूं खत्म करना पहल होनी चाहीदी है, पर मेरा ख्याल कि सब तो पहला ए विजिलेंस नूं एक्टिवेट करन तो पहला जिहड़ी पंजाब दे प्रशासन पुलिस आ उहनूं एक्टिवेट करके पंजाब च अमन कानून जिहड़ा उह बहाल करना चाहीदा। सो ए प्रायोरिटी होनी चाहीदी है। इस करके मैं मुख्यमंत्री साहब तो उन्हां दे सारी सरकार तो यह मांग करदा कि तुसी लोकां नूं गुमराह करन स्थितियां तो बाहर निकल के विजिलेंस दे नालों पंजाब पुलिस नूं एक्टिव करो ताकि पंजाब दे हालात जिहड़े आ मुड़ अतवाद वर्गे उह 84 वाले दौर दे विच ना निकल जाण।